बाखुदा तुम ही हो, हर जगह तुम ही हो, बहुत ही मुश्किल गाना है वो, जो हो वाली लाइन है ना इसमें, तुम ही हो बेशुबा, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही। मुश्किल गाना है, काफी मुश्किल गाना है, मतलब अगर बंदा दमे का मरीज हो तो ये गाना नहीं गा सकता, सवाल ही नहीं उठता। बाखुदा ये गाना आतिफ असलम ने गाया है, बंदा गुड लुकिंग भी है, उसके म्यूज़िक वीडियोस पर भर भर के व्यूज़ और लाइक्स भी आते हैं। ये गाना किस्मत कनेक्शन फिल्म का है, और फिल्म में ये गाना शाहिद का जो किरदार है वो गा रहा है, सड़कों पर, चौराहों पर, गार्डन में लहरा के अदाएं दिखाते हुए, शाहरुख के जैसे बाहें फैलाए हुए, विद्या बालन को पटाने के लिए। एवरीथिंग एज पर क्लीशे इंडियन फिल्मी इक्वेशन इज राइट। मुझे प्रॉब्लम इस गाने के प्रमोशनल फीचर से है, जिसे शाहिद ने परफॉर्म किया है, जिसका फिल्म के किरदार से कोई लेना देना नहीं है। फिल्म में शाहिद का किरदार एक आर्किटेक्ट का है, जो ये क्लेम कर सकता है कि वो अच्छा गाता है, पर वो कहीं से भी आतिफ असलम जैसा मेगा पॉपस्टार नहीं है इस फिल्म की कहानी में। फिर उसे पॉपस्टार जैसा दिखाने की कोशिश क्यों हो रही है इस प्रमोशनल फीचर में, जैसे कि कोई बड़ा सा म्यूजिक कॉन्सर्ट है विथ जीरो लाइव ऑडियंस, देखने वाला कोई नहीं। शाहिद अकेला ये गाना जिस तरह से गा रहा है, लहराता हुआ, मटकता हुआ, अदाएं दिखाता हुआ, और जितने सुरों के उतार चढ़ाव हैं इस गाने में, अब आप देखिए कि सिंगर के फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हो जाते हैं मुश्किल गानों में। निगाहों में देखो मेरी जो है बस गया, मैं कहूँ मेरे बस में अगर हो तो मैं बस इतना ही करूँ। अजब है इश्क यारा, शाहिद जिस तरह से गा रहा है मुझे उसमें शिद्दत से ज़्यादा हवस दिख रही है। बस माइक की जगह एक लड़की को कर दो और बाकी सब एज इट इज रहने दो। आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब सवाल मेरा ये है कि जब माहौल आपने म्यूजिकल कॉन्सर्ट का बनाया है इस प्रमोशनल वीडियो में, तो आतिफ क्यों नहीं है इसमें? ही इज़ अ रियल सिंगर। शाहिद बेसिकली गाने की एक्टिंग ही कर रहा है ना। फिल्म के प्रोड्यूसर या जिसने भी ये फैसला लिया होगा कि चलो एक प्रमोशनल म्यूजिक वीडियो बनाया जाए इस गाने का, और शाहिद इसमें गाने की एक्टिंग करेगा, तो शाहिद के दिमाग में आया नहीं होगा कि सर मेरा किरदार तो आर्किटेक्ट का है इस फिल्म में, और प्रमोशनल म्यूजिक वीडियो में मैं रॉक स्टार के जैसे, वैसे भी मैं अच्छा सिंगर नहीं हूँ, इस गाने में आतिफ क्यों नहीं है और मैं क्यों हूँ इस गाने में? मुझे नहीं लगता शाहिद ने ये सब सोचा होगा।